मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर रीडिंग 8th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर चला है अपना 5, द समिट विथ इन, यानी पर्वत शिखर की, माउंट एवरेस्ट की शिखर की यात्रा किस प्रकार से करते हैं इसका वर्णन इसके अंदर दे रखा है। आगे देखो, इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, यहाँ तक कि शिखर से नीचे उतरने पर, इवन व्हेन गेटिंग डाउन, गेटिंग डाउन कर दो जाएगा उतरना, फ्रॉम द समिट, यहाँ तक कि शिखर से नीचे उतरने पर भी, वंस द फिजिकल एक्सर्शन हैड गोन, यहाँ तक कि शिखर से नीचे उतरने पर एक बार शारीरिक थकावट आ गई, आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन, मैंने अपने आप से सवाल पूछना शुरू कर दिया, व्हाई आई हैड क्लाइम्ब्ड एवरेस्ट, कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा हूँ, व्हाई आई हैड क्लाइम्ब्ड एवरेस्ट, मैं एवरेस्ट के शिखर पर क्यों चढ़ा हूँ, व्हाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच ए होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, यानी इस प्रकार से शिखर पर पहुंचने के कार्य की इस प्रकार की कल्पना जो मुझे क्यों पकड़े हुए थी, इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग, यह पहले से ही कोई बात थी, ऑफ द पास्ट समथिंग डन यस्टरडे, यानी पहले से ही कल की कोई बात थी, विथ एवरी पासिंग डेज, हर गुजरते समय के साथ इट वुड बिकम मोर रिमोट, हर गुजरते हुए समय के साथ यह और भी मोर रिमोट, और अधिक दृढ़ होता जाएगा, एंड देन, और फिर व्हाट वुड रिमेंस, और फिर शेष क्या रहेगा, एंड देन वाट वुड रिमेन्स, और फिर शेष क्या रहेगा, वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी यादें धीरे धीरे दूर चली जाएगी या मिट जाएगी, क्या मेरी यादें धीरे धीरे मिट जाएगी, ऑल दीज थॉट्स, ये सभी विचार लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ इज टू वाई पीपुल क्लाइंब माउंटेन्स, यानी इन सभी विचारों ने मुझे मेरे सवालों के प्रति प्रेरित किया, ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ, इन सभी विचारों ने मुझे मेरे सवालों के लिए मुझे प्रेरित किया, एज टू वाई पीपुल क्लाइंब माउंटेन्स, कि लोग पर्वतों पर क्यों चढ़ते हैं, इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चंस, यानी इस सवाल का उत्तर देना बड़ा आसान नहीं है, द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, इसका साधारण सा उत्तर ये होगा, एज अदर्स हैव सेड, जैसे कि अन्य लोगों ने कहा है, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि यह पर्वत शिखर वहाँ पर है, इसलिए इस पर लोग चढ़ाई करते हैं, इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, इससे यानी यह बड़ी बड़ी कठिनाइयों को प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट्स यानी प्रस्तुत करता है, ग्रेट डिफिकल्टीज यानी यह पर्वत शिखर बड़ी बड़ी कठिनाइयों को प्रस्तुत करता है, मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल, मनुष्य बाधाओं पर काबू पा करके खुशियां मनाता है, ऑब्स्टेकल कर दो जाएगा बाधाएं, समस्याएं, ओवरकमिंग यानी काबू पा करके डिलाइट यानी खुशियां मनाते हैं, मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल, यानी मनुष्य बाधाओं पर काबू पा करके खुशियां मनाता है, द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिजिकल, ऑब्स्टेकल इन क्लाइंबिंग यानी पर्वतों पर चढ़ने से ये बाधाएं, पर्वतों में चढ़ाई करने से ये बाधाएं शारीरिक हैं, पर्वतों पर चढ़ाई करने से ये बाधाएं शारीरिक हैं, ए क्लाइम टू ए सुमिट मीन्स
यानी एक शिखर पर चढ़ने का मतलब है एंड्यूरेंस, यानी धीरज, धीरज, धैर्यता एंड विल पावर। यानी एक शिखर पर चढ़ने का मतलब है धीरज, धैर्यता, दृढ़ता या शक्ति। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज, यानी इन शारीरिक गुणों में पोषण तत्व नहीं है, या प्रदर्शन करने का कोई तत्व नहीं है। इज नो डाउट्स, इसमें ऐसा कोई संदेह, इस प्रकार का कोई संदेह नहीं है। एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, जैसे कि एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, जैसे कि मेरे लिए था। आई हैव ए मोर फिजिकल आंसर, आई हैव ए मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चंस, यानी मेरे पास इस सवाल के कुछ व्यक्तिगत उत्तर हैं। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, जो मेरे बचपन से हैं। आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, मुझे पर्वतों से आकर्षित किया गया है। आई हैड बीन मिजरेबल, लॉस्ट, यानी मैं दुखी तथा खोया हुआ हूँ। वेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, यानी जब मैं दुखी तथा खोया हुआ हूँ। वेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, जब मुझे पर्वतों से दूर कर दिया जाता है तो मैं दुखी हो जाता हूँ और खोया हुआ हो जाता हूँ। इन द प्लेन्स, मैदानों में पर्वतों से दूर किया कर दिया जाता है। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, यानी पर्वतों की यह सबसे अच्छी प्रकृति है, सबसे अच्छा स्वभाव है। देयर ब्यूटी एंड माजेस्टी पोज ए ग्रेट चैलेंज, उनका सौंदर्य एक महान चुनौती है। इन पर्वतों का, पर्वत शिखरों का सौंदर्य जो एक महान चुनौती है। एंड लाइक मैनी, और कई ऐसे भी पर्वत हैं। आई बिलीव, जिससे मैं विश्वास करता हूँ। दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स, कि इन पर्वतों का मतलब है ओ कम्युनियन विद गॉड, यानी पर्वत शिखरों का मतलब है ईश्वर से संपर्क, ईश्वर के साथ संपर्क होना। आगे कल पढ़ाएंगे।